आचार्य जी की कथा में एक देवी जी चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, चंगीलाल की लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। क्या नाम है? मुन्नी बाई। मुन्नी बाई एक बार कथा में आई, मुन्नी बाई कथा में आई, आई तो आई, तीन चार दिन कथा सुनी, पर मुन्नी बाई की जो सासू माँ थी इलायची बाई, वो बड़ी खतरनाक भाई, कोई और नाम ले लेंगे तो कल के दिन FIR हो जाएगी, इसलिए हम ये सब पात्र अपने फिक्स कर लेते हैं। मुन्नी बाई की सासू माँ का नाम इलायची बाई, तो इलायची बाई आई, रोज गाली बके मुन्नी बाई को, तू रोज जाती है बाबाओं के चक्कर में पड़ी है, क्या फायदा है, रोज कलेश होवे, रोज उपद्रव होवे। तो मुन्नी बाई बड़ी हैरान, एक दिन महात्मा जी से मिलने का मौका मिला, हाथ जोड़कर बोली, सरकार और तो सब ठीक है, हम घर पर जाते हैं कथा सुनकर इतना उपद्रव होता, इतना उपद्रव होता कि दिमाग खराब हो जाता, अगर आप कोई तंत्र मंत्र जानते हो तो एक ऐसा मंत्र बना बता दो कि हमारे घर की लड़ाई बंद हो जाए। ध्यान से सुनना, पता है क्या बोला महात्मा जी ने? कहा, देवी ओ मुन्नी बाई, घर से कल तू पानी का बोतल ले आना। तो वो घर से कल दूसरे दिन पानी का बोतल लाई, महात्मा जी ने कहा शक्कर बक्कर डालो उसमें, बढ़िया मीठा बीठा करके शक्कर बक्कर डाला, थोड़ी केसर वेसर उसमें डाली, और महात्मा जी ने मुंह के पास लिया, ऐसे ही फूफा कर दिया, मंत्र जो भी बोला छू छा छू, और बोतल को बंद किया, बोले ले पकड़, इसमें ऐसा मंत्र मार दिया कि लड़ाई बंद होगी। महाराज करना क्या है? कुछ नहीं करना, तू घर जाना कथा सुनकर, तेरी सासू माँ पूछेगी, आ गई पुजारिनी, बड़ी भक्तिनी बनी, बड़ी बाबाओं के चक्कर में पड़ी, इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ी, बर्बाद है जाएगी, का करती फिर रही है, कहाँ डोलती फिर रही है, अपने मन की है, काम धाम करना नहीं, बड़ी आलसनी है। तू कोई जवाब ना देना, उसके पहले एक काम करना, दो ढक्कन ये जल लेना, अभिमंत्रित, इसमें मंत्र लगा, ध्यान रखना, मुंह में डालना, एक नियम का ध्यान रखना, वो जल गले से नीचे ना जाए, मुंह से बाहर ना आए, और बस, फिर देख तू मंत्र का चमत्कार, यूं लड़ाई बंद। मुन्नी बाई ने कहा, गुरुजी जो आज्ञा। और गुरुजी भी टिल्लू गुरु थे। मुन्नी बाई ने जल का बोतल लिया, घर गई, और सासू माँ का तो रोज का प्रवचन फिक्स था, टेप रिकॉर्डर, आ गई पुजारिनी, बड़ी भक्तिनी बनी फिर रही है, काम धाम करना नहीं तुझे, और तू भक्तिनी बन के घूम रही है, हुड़दंग मचा रही है, काम चोरी करती है, और ये कुछ गाली बकने ही वाली थी तब तक गुरुजी का वो मंत्र वाला डब्बा याद आ गया। तो उसने बोतल खोला, दो ढक्कन लिया, मुंह में रखा, अब सासू माँ तो बड़ा बकती रही, पर ये बोलने वाली तो थी, पर गुरुजी ने कहा था वो जल गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। तो बिचारी ऐसे ही लिए लिए, सासू माँ भी एक डेढ़ घंटे में शांत हो गई। आज सासू माँ को लगा कि लगता है ये कथा से सुधर आई है, मैं तो सुधरी थी, ये सुधर गई। दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन सासू माँ हाथ जोड़कर बोली, ये बता ये कौन से पंडित जी की कथा सुन रही तू आजकल? बहू ने कहा, क्यों बताऊं? अरे बोली, बेटा कुछ भी कहे, ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, मुझे भी ले चल इनकी कथा में, और तू एक काम कर, अब तू थोड़ा एक घंटे बाद आया कर, मैं रोटी बना के रख लिया करूंगी, अब तुझे काम नहीं करना, तू कथाएं सुन, अच्छा है। तो मुन्नी बाई वापस आई, महाराज जी आपकी कृपा होगी, चमत्कार हो गया, क्या हुआ? अरे आपके जल ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि बड़ी ढीठ थी मेरी सासू, एकदम नतमस्तक कर दिया। महाराज हमने सुना आज आप जा रहे हो, हाँ महाराज, अगर पानी खत्म हो गया तो, क्योंकि वो एक दिन में मैंने चार चार बार पिया है, इतनी जरूरत पड़ी उस मंत्र के जल की, अब फिर दोबारा मुझे तो मंत्र आता नहीं, मैं क्या करूं? तो महात्मा ने कहा कि घर पे नल तो आता है, बोले हाँ, उन्हें नल से पानी भर लेना, स्वाद अनुसार थोड़ा मीठा डाल लेना, थोड़ी केसर वेसर डाल लेना,
और मुंह में लगातार ये लगातार रेगुलेटरी दो चार साल चला। तो मुन्नी भाई ने कहा मंत्र, बोले असली मंत्र यही है। बोले महाराज अच्छा मंत्र छोड़ो, कोई व्रत बता दो। महात्मा ने कहा बढ़िया व्रत है मौन व्रत, तो मौन व्रत धारण कर कलेश शांत हो जाएगा। तो जिंदगी में कई बार कथाओं को श्रवण करने से ये आठवां फायदा भी मिल जाता है कि स्वयं हम नम्र हो जाते, विनम्र हो जाते और घर में कलेश शांत हो जाते।